भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पोस्टमार्टम के दौरान अब खोपड़ी की हड्डियां नहीं टूटेंगी। सड़क हादसों और विवादों के दौरान सिर में चोट की जांच का पता लगाने में पोस्टमार्टम के पहले खोपड़ी को छेनी हथौड़े से खोलना पड़ता है। कई बार छेनी के प्रहार के कारण चोट का सही पता नहीं लग पाता। ऐसे में अब एम्स के पोस्टमार्टम करने के लिए अत्याधुनिक मशीनें से सिर की खोपड़ी खोलकर दिमाग के भीतर की जांच की जा सकेगी। वहीं एम्स में ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक शो मशीन से पोस्टमार्टम की शुरुआत की गई है।